हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इरफान खान व्लॉग चैनल में। तो आज हमारे साथ है यासीन। आज हम जा रहे हैं टाटा टियागो की सर्विस करवाने। मेजर सर्विस है, आखिरी सर्विस बची है। इसकी भी जो है रिव्यू पूरा जो वो भी नहीं बना पाया मैं, उसकी बहुत जल्दी वीडियो आएगी। गाड़ी की हालत ठीक है, सीट कवर वगैरह लगवा रखी है हमने गाड़ी पे और स्टेयरिंग भी रैप करवा रखा है। तो इसकी मेजर सर्विस है आज। इसके मतलब इंजेक्टर वगैरह चेक करेंगे, टायर की हवा चेक करेंगे, सारे फ्लूड ओके है नहीं है, सारे सेंसर काम कर रहे हैं नहीं है। तो उसी चक्कर में उन्हें बुलाया है कि आखिरी सर्विस सर आपकी मेजर वो करा लीजिए। तो उसी को करवाने हम जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे बड़े दर्शक जा रहे हैं। क्यों जी? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, वैसे ही लेट हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक है। वीडियो देखो भाई, एंजॉय करो, खूब बढ़िया है, एंजॉय करो। वीडियो एक से एक मस्त मस्त वीडियो आने वाली है। अब करो भाई को सब्सक्राइब, जिसको भी ओल्टो के ऊपर, टियागो के ऊपर या फिर नियोस के ऊपर वीडियो देखनी है किसी भी बारे में, तो कमेंट करके बताना, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और बुलेट की भी बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है। फर्स्ट सर्विस की तो नहीं बना पाया, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है उसकी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं और इन्जॉय कीजिए वीडियो को। और हाँ, सबसे पहले ज़रूरी बात, बेल्ट, हमेशा बेल्ट लगा के चले, सेफ्टी फर्स्ट। और दिल्ली में है तो मास्क लगा लो, वरना भाई 2000 का चलान है और कोरोना फ्री मिल लगा। तो हमेशा मास्क लगा लो। मैं अभी यही हूँ पास, मैं अभी पास में ही हूँ, इसलिए देखो मास्क ले रखा। मैं अभी रोड से बाहर निकलते ही जो है मास्क पहनूंगा। ठीक है, तो भाई ने सभी मास्क ले रखा और सीट बेल्ट हमेशा फर्स्ट, सीट बेल्ट। ठीक है, तो चलो भाई, अब अपनी गाड़ी लग चुकी है सर्विसिंग के लिए। ठीक है, इसमें बस इसके अलाइनमेंट में दिक्कत है और इसकी जो है इसकी अलाइनमेंट में अंदर दिक्कत है। ये ना सीधा हैंडल रहता है और लेफ्ट साइड में भागती है। कुछ इन्होंने मेजर सर्विस का बिल बनाया है। ठीक है, पहले तो इन्होंने बनाया था 1150 का, अब कर दिया है 1000 रुपये डिस्काउंट बोल के। तो इसमें सारी आपकी देख लो, एसी फिल्टर, ठीक है, ऑयल, ऑयल मतलब जितने भी ऑयल के चेक, ऑयल चेकअप है सारा हो जाएगा इसमें। एयर फिल्टर चेक होगा, एसी फिल्टर चेक होगा, जनरल चेकअप होगा, फिजिकल चेकअप, सर्विस का चेकअप, ब्रेक का, और अलाइनमेंट में दिक्कत है इसके, और अलाइनमेंट भी ठीक होगी इसकी। ठीक है, तो बस यही जो इनका जो पर्चा बनाया था इसका 1100 रुपये बिल बनाया है। गाड़ी की जो राइट साइड को भाग रही है, इधर एक साइड को स्टेयरिंग सीधा होने के बाद लेफ्ट साइड में गाड़ी जा रही है। ब्रेक में हल्की सी दिक्कत आ रही है, मतलब मार रहे हैं तो कटर कटर आवाज़ आ रही है। तो एक बार देखते हैं, सही फिक्स करा लेते हैं। बाकी गाड़ी में और कोई भी दिक्कत नहीं है चलने में, A1 है। ये कुछ हालत है इंजन की, फ्लूड ख़त्म हो रहा है, अब इसमें पानी का फ्लूड डाल रहे हैं इसमें। कुछ हालत की इंजन की हालत देख लो, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, इसको क्लीन होने से। जनरल चेकअप पानी डाल दिया भाई ने, वाइपर चला के देख रहे हैं प्रॉपर चल रहे कि नहीं, जैसे फ्लूड डाल दिए। पहला काम तो इसमें चेक किया है, पानी फ्लूड जिस सब में है पूरा नहीं है। ऐसे कुछ हालत है अब इसकी, अब तक तो चल जाएगा। ठीक है, अब तक तो ठीक है, उसको क्लीन कर देंगे, नए लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। बैरिंग ठीक है ना?
ऐसे कुछ हाल लोगों से गाड़ी में ओके अब थोड़ा सा ढीला था अब इसको भी टाइट कर देंगे बाकी सस्पेंशन ओके है अब पीछे से जो है सारे बैरिंग वगैरह ओके हैं सारा सस्पेंशन ओके है कोई दिक्कत नहीं आई है चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बॉडी भी नहीं कहीं से भी कोई वो नहीं अभी तो 1.5 साल हुआ है इसको नीचे से सारे वायर लीकेज वगैरह कुछ नहीं है ब्रेक बैरिंग सब ओके है इसका जो नट थे ये वाले और ये वाले लूज थे और ये वाले भी इन्हें टाइट कर दिया है ABS से हमारा ABS इसमें आवाज़ आ रही थी अब इसको भी चेक करा लेंगे बोल गए नट बोल थोड़े ढीले थे टाइट हो गए गाड़ी का जो चेकअप पूरा हो गया है मेजर सब नीचे से जितना भी चेकअप थे सब पूरे हो गए अब गाड़ी को नीचे उतार रहे हैं ऑयल वगैरह भी चेक हो गए अब सेंसर देखेंगे कि सेंसर अगर ठीक है नहीं है कमेंट करके बताना गाड़ी कैसी लग रही है टाटा का ऑथराइज सर्विस सेंटर है ये अब इसमें क्या चेक कर रहे हो इसमें बस काली देख रहा हूँ कोई सर्विस रिमाइंडर लाइट तो नहीं आ रही सर्विस की चेक इंजन लाइट आ रही हो या सर्विस रिमाइंडर तो इसमें कोई लाइट नहीं है अभी तक तो कोई लाइट नहीं है ना देखो अभी तक सारी लाइट हट गई है अब तो कोई लाइट नहीं इसके अंदर सीट बेल्ट की है वो भी अब हट जाएगी भाई लगा रहे हैं सीट बेल्ट तो लाइट देखो सारी ओके हैं एसी कूलिंग चेक कर रहे हैं वाइपर भी हमारे ऑन हो गए हैं स्टीयरिंग में भी कोई आवाज नहीं है अब यहाँ से पास हो गई है अब इसको चला के देखेंगे एक बार इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जा रहे हैं एक बार भाई चला के देख लेंगे ठीक है और थोड़ी टेस्ट ड्राइव ले ले इसकी मतलब कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है भाई मेजर सर्विस में अपना इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर वगैरह ये सारे क्लीन होने चाहिए ठीक है और आपका जो भी और नीचे बॉडी नॉइज हो गई आपके चेचिस के नट बोल्ट वगैरह हो गए अलाइनमेंट हो गए टायर वगैरह हो गए सारी चीज़ें हैं सब ओके होनी चाहिए ठीक है कूलेंट हो गया आपका ठीक है और तुम्हारा एसी वगैरह हो गई अगर कहीं रोड पे लंबे रोड पे निकलना है मतलब नॉर्मल मेजर सर्विस में अपना एयर फिल्टर एयर फिल्टर क्लीन होने चाहिए ठीक है एयर फिल्टर चौक हो तो होना चाहिए चेंज कराना चाहिए उसको समटिम टाइम पर एकदम 15,000 सर्विस पे मेजर पे चेंज ही होता है ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर 15,000 पे चेंज है दोनों हाँ जी और एयर फिल्टर अगर चौक है बिल्कुल ही तो भी चेंज है वरना क्लीन करा दो कोई नहीं वरना अगर एक साल से गाड़ी समथिंग खड़ी भी है तो भी चेंज ही है भाई ने बता दिया मेजर सर्विस में अगर कोई भी करवाने आओ तो ये चीज़ें हैं उनको चीज़ों का ध्यान रखियो और कोई बोल रहा है कि भैया से हाथ मार दिया नॉर्मल हमने होगी सर्विस तो नहीं बोलो कि खोलो चेक करो हमारे सामने और बताओ चेक करके क्या दिक्कत है ऐसे हाथ मारने से 1200-1300 रुपये कोई नहीं देगा ब्रेक देगा जोर से आवाज़ अब तो ना नहीं है गड़ गड़ की आवाज़ आ रही थी अब नहीं है ऐसे गटर गए छोड़ रहे थे ब्रेक तो अब भाई ने वो भी ठीक कर दिया है इसके जो ब्रेक ढील लूज थे ना क्या थे नट बोल्ट चेचिस के नट बोल्ट लूज थे चिमटे वगैरह के तो वो आवाज कर रहे थे वो भी ठीक हो गए हैं ब्रेक जो वो भी ठीक हो गए हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एसी कूलिंग भी ज़्यादा अच्छी है तो अब इसका वॉशिंग होगी क्या होगा हाँ जी भैया वॉशिंग होगी इसकी वॉशिंग के बाद अपना चेक और अपना जॉब कार्ड क्लोज कराओ और अपनी गाड़ी लेकर जाओ हाँ
तो बस यही है, मेजर सर्विस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चेकअप होगा दोबारा की और पैसे देने हैं और बिल लो अपने घर जाओ, यही जो है नॉर्मल सर्विस है। और हम आए हैं सेक्टर बादली में। ब्रेक की भी देख लो, ब्रेक की हालत देख लो, ब्रेक भी ठीक है इसके, बिल्कुल नहीं है ठीक है। यहाँ से ढीले हो रहे थे, बैकग्राउंड में नॉइस सर्विस के लिए हम आए थे यहाँ ठीक है। ये पड़ता है आपका बादली में, टाटा देख लो, टाटा ऑथराइज है, बादली में आए थे। ये अपनी गाड़ी कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, जब बाहर निकलेगी तब देखना इसकी हालत ठीक है। तो भाई ने जो बताया आप वो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो बताइएगा। कितना पूरा डलता है, एक डलता है, डाल दो आधा है, आधा डाल दो, आधा डाल दो, आधा रख लो, ये इसी के साथ मिलता है ना। तो देख लो ये कुछ टाटा का है, ऑथराइज्ड टाटा का वॉश, इससे आपके वाइपर वॉश होंगे। जैसे आप शैम्पू डालो, अगर ये नहीं है तो आप शैम्पू डाल दीजिए, इससे आपके वाइपर देखो ये ब्लेड है ये बिल्कुल नए रहेंगे, वाइपर के जो ब्लेड हैं बिल्कुल नए रहेंगे ठीक है। डाल दिया आप तो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बाद शैम्पू भी वॉश कर सकते हो, शैम्पू। तो अब हो रही इसकी वॉशिंग, अच्छे से इंजन पे मार दिया सरफ, पूरी बॉडी पे सरफ मार दिया भाई ने। Later. सर्विस हो गई है, अब आए कुछ खाने के लिए, ये हमारे छोटे भाई हैं ठीक है, और ये हमारे साथ इसको दिखाया नहीं इसलिए रो रहा है, अब चुप करा देंगे, भूखा इसे दूध पिलाएंगे भी, चुप हो जाएगा तेरी। इस टाइम तो ना कुछ भी आ जाओ, कुछ भी वो ही खा लेंगे, भूख इतनी लग रही है, तड़के तो है, इतना टाइम लगा दिया भाई। देखो देखो तो आज देखो कर गप गप करने लग रहा है, गप गप करे गप गप करने लग रहा है। तो भाई जिस किसी ने भी आना है एक बढ़िया खाना है, अमृतसरी कुलचा प्रीतमपुरा, देख लो एड्रेस, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में देख ना भाई, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये अच्छा लगा इसलिए बता रहा हूँ, वो स्पॉन्सर नहीं है, यहाँ खाना अच्छा मिला इसलिए बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं है ठीक है। और तीन कुलचे मंगाए हमने, तो टेस्ट देखेंगे कैसा है, पर मैं तो भाई बहुत बार आ गया, इनने पहली बार लाया तो पूछेंगे कैसा लग गया, खाने के बाद बताऊंगा भाई बताएं। इस टाइम तो ना भूख ला रही थी, कुछ मिल जाओ ये खा लेंगे, एक बार ले खाओ फिर देखते हैं। देख लो ये पूरी थाली में आता है, इसमें 5 सब्जी मिलेंगी आपको, रायता प्लेट तो मिलेगा ही, चाप दाल और कढ़ी छोले और एक और है, ये कुछ इसके साथ सलाद है, बड़ी अच्छी लगती है खाने में ठीक है। और इसके साथ 5 सब्जी थाली में, 110 रुपये एक थाली, देखो कैसे दबा के लगे पड़े हैं, शर्म नहीं आ रही खाते वक्त। सबसे पहले देखो अरे रखा है, खाली करवा के भाई और डाल, ये देख लो कुल्फी पूरी खा गया एक बार में, नू भी नहीं सोचा किसी के दे दे हैं। ये कुल्फी अमृतसरी की, खा लो भाई जिसने खानी है आ जाओ सारे खा लो भाई आ गए। और ये गाड़ी धो गई, ये कुछ लुक है गाड़ी का, धोने के बाद वॉशिंग हो गई है गाड़ी की, देखो कैसे चमक रही है, मेजर सर्विस थी, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, दिखा देता हूँ आपको ठीक है। देखो गाड़ी कैसे चमक रही है ठीक है। हम आए थे अमृतसरी, ये पड़ता है प्रीतमपुरा के पास आते हो ना सीधा, देखो अमृतसरी अमृतसरी कुलचा है सीधा, और ये अपनी गाड़ी कुछ ऐसा लुक है गाड़ी का। और अब हम जा रहे हैं घर, कितने अच्छे लग रहे हैं पेड़,
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मेजर सर्विस में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जो आपके जितने भी ऑयल फिल्टर हैं, ये जैसे प्लास स्पार्क प्लग है, गाड़ी वॉशिंग हो गई, इसमें टोटल खर्चा आया है 1182 रुपये, जिसमें है कि 1180 रुपये का ये फ्लूड था, 1000 रुपये की मेजर सर्विस थी। वॉशिंग हुई है, नॉर्मल कुछ नहीं है गाड़ी के अंदर। अगर आप करवाना चाहते तो बाहर से भी करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मेजर सर्विस है, कंपनी को ये बताना होता है कि इसने मेजर सर्विस करवा ली। अगर नहीं कराओगे तो देख लो, अब आपने गाड़ी रखनी है या नहीं रखनी है। तो हमने तो गाड़ी रखनी है इसलिए हमने करवा लिया। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बजट बाहर है तो 100-150 रुपये में बाहर भी हाथ लगवा सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने तो करवा लिया, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं भी वीडियो अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं। और तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। ठोक दो लाइक दबा के।